परफॉर्मेंस ग्रांट निष्पादन अनुदान के तहत जनपद के 37 ग्राम पंचायतों को मॉडर्न ग्राम के रूप में विकसित किए जाने संबंधित बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर सहित ग्राम प्रधान मौजूद रहे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित ग्राम प्रधानों से कहा कि गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करें, जो पूरे प्रदेश में एक नजीर साबित हो सके। CGO ने कहा कि मॉडल गांव में हाई फाई, सड़क, बिजली, रोड लाइट, स्कूल, जल निकासी सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सके, जो शहर को पीछे छोड़ दे। इस संबंध में DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि शासन से गाँव को मॉडल रूप में विकसित करने के लिए पहली किस्त 50 लाख रुपए आवंटित कर दी गई है। बैठक के पश्चात गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, स्कूल में स्मार्ट क्लासेस लगाना, इसमें एक जगह भी किसी भी DPRO में नहीं। तो अगर इस तरह से काम करना है तो गांव का हम लोग कैसे बदलाव करेंगे? ये जो है इसके पीछे एक सोच है कि हम लोग कुछ ऐसे मॉडल गांव तैयार करें जिसमें हर चीज सेल्फ सस्टेनिंग हो। उस हिसाब से हमें प्लानिंग करनी है। आपका फिर इसके बाद आपके जो पंचायत भवन बनेंगे उसकी देख रेख का है, फिर इसमें पार्क, प्लांटेशन, ओपन जिम इटावा में बहुत अच्छे बने, पार्क बहुत अच्छी बनी, अर्बन पार्क बहुत अच्छी बनी, गांव देखने से अलग दिखता है और पूरे उत्तर प्रदेश अलग अलग जगहों से लोग देखते हैं। ये तो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट होने चाहिए। ये वो है कि मैं इसको अपने गाँव का एक ऐसा चीज यहाँ बना के जाऊँगा जो सदियों तक लोग याद करेंगे, भाई ये उनकी प्रणाली में ये काम हुआ होता है। जैसे मजाबी में याद करते हैं हमारे यहाँ से ये लोग शहीद हुए। आपका होमवर्क बहुत तगड़ा है, आपका अप्रिशिएट करता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारी क्या प्रॉब्लम है, जल निकासी नहीं, इतना जल रहा कहीं, मतलब मुझे लग रहा है इतना पानी जहाँ पे है इस शहर को मछली पालन में बहुत प्रॉब्लम होना चाहिए कि जो पूरा देश या प्रदेश देखने आए कि ये गांव देखने लायक है, इसमें सीवरेज सिस्टम है, कूड़े का प्रबंधन है। आपने ने अगर बहुत बढ़िया बनाया, हो सकता है पंचायत भवन से आप संसद तक आपके गांव से कोई जाए, ये तो हमारी डेमोक्रेसी। पंचायत भवन से पंचायत से शुरू होती है, संसद तक जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, हर स्टेट पे जाते हैं। प्राथमिक विद्यालय दर गार्डन के रूप में वाटर हार्वेस्टिंग का बताया और भी कई चीजें इसमें लिखी है। ये किसी और काफी अच्छी डिस्कशन के बाद बना, तो हम DPR सारे स्टडी करते रहेंगे। तो इसको फिर इस जीओ के सापेक्ष और गांव के एक बहुत क्या बोलते हैं कि इतना आइडियल गांव बनाने की कोशिश करनी है कि फिर अगले अगर पूरी दुनिया आगे उसको देखेगी क्या गांव का। आप गांव में इंटर कर जाओ, लोग कहते हैं शहर से भी ऊपर वाईफाई लगे हुए हैं, सब कुछ है, गाँव सारी फैसिलिटीज है जो शहर में, ये पॉसिबल है, इससे बिल्कुल पॉसिबल। हाँ, जिन जहाँ तक कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में कुल 73 ग्राम पंचायतों में परफॉर्मेंस ग्रांट की धनराशि आई है उस 16-17 के लिए, उसमें 37 ग्राम पंचायतें जो हैं वो गोरखपुर की हैं। तो उन्हीं 37 ग्राम पंचायतों में मिनिमम 3.5 करोड़ से लेकर के मैक्सिमम 25 करोड़ तक की धनराशि आनी है। अभी उसकी पहली किस्त आई है 50 लाख करके। तो इन 37 ग्राम पंचायतों को मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करने का प्लान बनाया जा रहा है, उसी के तहत आज मीटिंग बुलाई गई थी सभी ग्राम प्रधानों को, ताकि हम लोग कैसे इन 37 ग्राम पंचायतों को एक मॉडल गांव के रूप में, जहां पर कि मॉडल जिम हो, अच्छे स्मार्ट क्लासेस स्कूल में चलें, ओपन जिम रहे, उसके अलावा फिर LED लाइट हर जगह रहे, अच्छा पंचायत भवन हो, बारात घर हो, सामुदायिक भवन हो, जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ है, लाइक अंडरग्राउंड नालियाँ हो, नालियाँ आपस में जुड़ करके बाहर किसी तालाब से कनेक्टेड हो, ताकि जल भराव की समस्या ना हो, ये सारी चीज़ों पर मंथन करने के लिए बैठक बुलाई गई थी ग्राम पंचायतों। सर, शिक्षा को लेकर भी कुछ नया स्कूलों को भी कायाकल्प? यस, इन 37 ग्राम पंचायतों में विशेष करके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना है, उसके अंतर्गत ये है इन ग्राम पंचायतों में जो स्कूल्स हैं उसका
पुनर्जीर्णोद्धार करके उसे काफ़ी अच्छा बनाना है। उसके अलावा उसमें स्मार्ट क्लासेस बनाना है, उसमें कंप्यूटर लगाए जाने हैं और लड़कों को जो है कि वो कहीं से भी रह करके ऑनलाइन पढ़ाई करें, ये जो है टेंडेंसी डेवलप करना है। संपर्क मार्गों से जोड़ा जाता है गाँव को, क्या उसके गाँव सड़क के किनारे वृक्षारोपण का प्रावधान है? बिल्कुल, इसमें वृक्षारोपण का भी प्रावधान है। मतलब हर तरह से मॉडल गाँव बनाने के लिए जो भी चाहिए, वृक्षारोपण बहुत ही आवश्यक चीज़ है, पर्यावरण के लिए भी आवश्यक है, गाँव के अच्छे दिखने के लिए आवश्यक है, इसमें वृक्षारोपण का भी प्रावधान है। और बाकी जो भी सीसी रोड और बाकी जो जो सामान्य काम होते हैं वो तो है ही है।